गांव की बेटियां भी अब डॉक्टर बनेंगी। पढ़े बेटियां के स्लोगन को चरितार्थ करते हुए डिग विकास खंड के प्रयागदासपुर गांव निवासी चंद्रबली पांडे की पौत्री और अधिवक्ता संजय पांडे की पुत्री विजेता पांडे ने नेट परीक्षा 2023 647 अंकों के साथ क्वालिफाई कर लिया है। विजेता पांडे ने हमसे खास बातचीत में और क्या बातें कही है देखिए। चुन लेती है चल करके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। इस बिटिया ने मेहनत की, तैयारी की और इस प्रतिस्पर्धा में क्या संदेश देना चाहोगी? देखिए, मेरा नाम विजेता पांडे है और मेरे पेरेंट्स ने मेरे पर बिलीव किया और मुझे भेजा बाहर पढ़ने, और उसी का नतीजा है कि मैं अपने पापा को पूरा श्रेय देती हूँ। उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मैं सिर्फ अपने पापा को जानती हूँ, क्योंकि पढ़ाई में कितना भी कर लेती, कितना भी अच्छा कोचिंग मिल जाता, पर उन्होंने अगर भरोसा नहीं किया होता और बाहर नहीं भेजा होता तो आज मैं यहाँ होती ही नहीं। आप लोग मुझे नहीं देख रहे होते, तो आज मैं यहाँ हूँ तो मेरे पापा की वजह से हूँ। तो मैं ऐसे सारे पेरेंट्स से निवेदन करूँगी कि प्लीज़ आप सभी अपनी बेटियों के ऊपर भरोसा करें और उन्हें खुद को प्रूव करने का ज़रूर चांस दें। एक दिन आपकी बेटियाँ आपके बेटों से बहुत आगे जाएंगी और वो आपका नाम बहुत ऊँचा करेंगे। तो प्लीज़ अपनी बेटियों को जरूर पढ़ें। प्रयागदासपुर गाँव काशी और प्रयाग के मध्य का गाँव है। यहाँ इस गांव की बिटिया ने गांव का नाम रोशन किया है। ये गांव जो चर्चा में आया है वो नीट का एग्जाम रहा है, जिसमें इस गांव की बिटिया ने परचम फहराया है। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम विजेता पांडे। इस तरह से आपकी तैयारियां चली इस बार नीट के एग्जाम में, और वो तैयारी का स्थल क्या रहा, किस कोचिंग से आपने तैयारी किया, किस तरह से आपने सफलता अर्जित की? मैंने न्यूलाइट कोचिंग से कैसे ज्वाइन किया था, मैंने काका कानपुर काका देव से मतलब कोचिंग किया था, और वहाँ पे एक सर हैं अभिषेक डिमोलिया सर, मैंने उनसे फिजिक्स की क्लास की, उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि मेरा फिजिक्स ही सबसे वीक पॉइंट था और मेरा इस बार फिजिक्स ही सबसे अच्छा हुआ है। तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी और मैं अपनी सफलता से अपने पेरेंट्स, स्पेशली मेरे पापा को, मेरी फैमिली को, मेरे दादा दादी को चाहूँगी और भगवान को। मैंने बनारस में इस बार रुक करके सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और मैंने रेगुलर वहाँ पे टेस्ट दिए, मैंने सेल्फ स्टडी की इस बार और टेस्ट दिए थे, इसलिए मैं बनारस में थी। प्रथम बार जब आप विफल हुई थी तो क्या किस तरह से सोच के आपने फिर आगे तैयारी बढ़ाया? जब मेरा पहली बार नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा मैं अपसेट थी, क्योंकि मतलब मेरी तैयारी ठीक थी, मुझे उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था, फिर भी था कि हाँ और अच्छा मार्क्स आएगा। तो मेरे अच्छे नहीं नंबर आए, मेरे 5.5 मार्क्स थे, तो फिर मैंने फिर से तैयारी की, मेरे पेरेंट्स ने मेरा पूरा सपोर्ट किया और मैंने इस बार अपना 647 स्कोर किया है और ऑल इंडिया रैंक 775। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं मौजूदा समय में बच्चे, तमाम तैयारी कर रहे हैं जिन्हें सफलता नहीं मिल पाई है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए चाहेंगी, किस तरह से वो तैयारी करें ताकि नेक्स्ट एग्जाम में वो भी सफल रहें? उसके लिए देखिए, आपको डिसिप्लिन होकर के मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत तो सभी करते हैं, पर थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं है, स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क तो करना ही है, पर स्मार्ट वर्क देखिए कि आपके एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्योंकि अभी क्या है कि पेपर टोटली एनसीईआरटी टेस्ट जा रहे हैं, तो आपको उसी पर फोकस करना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना है, ऐसे कोई अदर्स बुक्स नहीं यूज़ करनी है, आप एनसीईआरटी पे स्टिक रहिए, बाकी मेहनत करते रहिए, मेरा हो गया तो सबका हो सकता है। तो क्या डिफरेंस होता है यूपी बोर्ड और अन्य माध्यमों की तैयारियों में आपके लिहाज से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कोई बोर्ड या कोई भी स्कूल नहीं डिसाइड करता है कि आप लाइफ में कितना आगे जाएंगे, वो डिसाइड करता है आपके अंदर का जुनून और जज्बा। अगर आपके अंदर कुछ करने की चाहत है तो आप कर ले जाएंगे, स्कूल कोई भी हो वो मैटर नहीं करता है। बाकी मेरा स्कूल भी ठीक था, पर वो था तो एक यूपी बोर्ड ही, पर मैंने पूरा मेहनत अच्छे से किया, वहाँ पे सर एक दो थे बहुत मोटिवेटिंग थे, जिनकी वजह से मतलब मेरे बचपन से मुझे लगने लगा कि लाइफ में अगर हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो स्कूल का एक रोल अच्छा होता है, क्योंकि स्कूल के जो टीचर होते हैं वही हमारी नींव को तैयार करते, फिर हमें समझ आता है कि हमें करना क्या है, फिर हम उस लाइन में जाते हैं और मेहनत करते हैं, सफल होते हैं, जरूर सफल होते हैं। तो बाकी अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, किसी सीबीएसई बोर्ड का ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत करना है आपको, मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
और कुछ भी उससे बढ़ के नहीं है। मेहनत करेंगे, कोई भी बोर्ड हो आपका हो जाएगा। यूपी बोर्ड से आपने शिक्षा ग्रहण की है तो इंटर कहाँ से आप पास हुई थी? मैं यूपी बोर्ड मेरे यहाँ पे बगल में एक गाँव में एक स्कूल है छतनी, वहाँ पे एक स्कूल है श्री रामदास इंटरमीडिएट कॉलेज, मैंने वहाँ से अपनी स्कूलिंग की थी कल तक। तो अब जब सफलता मिल चुका है तो आगे की पढ़ाई पर जो फोकस होगा, क्योंकि MBBS में सिलेक्शन होना बड़ी बात है, वो भी यूपी बोर्ड की छात्रा होते हुए, तो आगे जब आप कोर्स में जा रहे हैं MBBS में, तो आगे आपका क्या चॉइस होगा इस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में? कैंसर डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये कैंसर के लिए मैंने देखा है कि मेरे गांव में कुछ लोगों की डेथ हो गई है और कुछ रिलेशन में भी, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। मुझे लगा कि इन लोगों के पास अगर वो सुविधाएं हों जो बड़े बड़े लोगों के पास होती हैं, अगर इनको भी कम फीस में वो दवाइयाँ दी जाएँ जो अच्छे से इनका इलाज किया जाए, तो ये सही हो सकते थे कि आप जिंदा होते अपनी फैमिली के साथ होते, तो मैं ज़रूर उस विभाग में काम करूँ। विजेता पांडे जो कि सफल हुई हैं नीट की परीक्षा में, और सबसे बड़ी बात बता दें, ग्रामीण परिवेश में अगर देखा जाए तो प्रयाग दासपुर गांव यूपी बोर्ड से इनकी इंटर तक की पढ़ाई, इसके बाद लगातार अध्ययन, सतत अध्ययन और मनन चिंतन इनको सफलता की इस पड़ाव पे ला दी है। सबसे बड़ी बात तो हमारे साथ खास बातचीत में इन्होंने ये साफ तौर से कहा है, कैंसर एक भयानक बीमारी है, कैंसर लाइलाज है, तमाम गांव के लोगों की जो डेथ हुई है उससे आहत है। इस सेवा भावना के जरिए गांव की यह बिटिया इस गांव जनपद के साथ प्रदेश का भी नाम देश में रोशन करेगी। कहना चाहेंगी जिस तरह से विजेता ने सफलता अर्जित की है? मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी की बात है और प्रसन्नता इस चीज़ का है कि हिंदी मीडियम की पढ़ी लिखी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे कितने लोग हैं कि इस उस जिस कोचिंग से पढ़ रही थी ज्यादा से इसका नंबर सबसे ऊपर है। इस क्षेत्र की चिकित्सा को पसंद करेंगी? तो इनका जवाब था कि हमारे गांव में कुछ कैंसर पीड़ित थे जिनकी मौत हुई, वो दुखद रहा, तो बिटिया इस क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करना चाह रही है, ये सोच एक बड़ी सोच मेरे नजरिए से है, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी सोच है और आदमी को हमेशा महत्वाकांक्षी होना चाहिए जैसा इसकी प्री प्लानिंग है, क्योंकि कैंसर अनकरेबल है जी, तो इसमें आदमी जल्दी बच नहीं पाते हैं। हालांकि नई टेक्नोलॉजी डेवलप किया है कि कीमोथेरेपी से कर रहे हैं, तो जो कीमोथेरेपी का सिस्टम है वो कोबरा सांप का ही पॉइजन उतार कर छत चढ़ा रहे हैं जी, तो है कि लेकिन लॉन्ग लाइफ के लिए वो सर्वाइव नहीं कर रहा। अच्छी सोच है किया कि करना चाहिए कैंसर के लिए, तो जरूर भाई सरकार भी कितना कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, तो हम सबको उसको अवेल करना चाहिए, जरूरी है। तो ये थे नीट एग्जाम 2023 में सफलता का परचम लहराने वाली छात्रा विजेता पांडे के दादा चंद्रबलि पांडे जी। का मिले क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम अपनी छोटी बहन विजेता पांडे को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इसने हमारे ग्राम सभा प्रयागदासपुर का नाम रोशन किया जिले, प्रदेश और नेशनल लेवल पे। और सबसे बड़ी बात यह है सर जी कि हमारे गाँव में बच्चियों के प्रति अभी ये रोल मॉडल का काम करेगी, अभी आने वाले जो भी बच्चियां इंस्पायर होंगी, बच्चे तो सब पढ़ते हैं, बच्चियों को घर वाले गार्जियन बाहर रख के पढ़ना नहीं पढ़ाना नहीं चाहते या उनके पीछे जैसे सोचिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या उनकी मेंटेलिटी अलग हो जाती है, इसको देखने के बाद हर गांव का हर गार्जियन जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे उसके लिए किसी न किसी तरह अफोर्ड करके बाहर भेजेगा और पढ़ाने के लिए बच्चियों को एक्टिव रहेगा गार्जियन, ये सबसे बड़ा रोल मॉडल का काम इसने किया है। ये नजीर बन के प्रयागदासपुर का एक तरह से सिंबल बनेगी, प्रयागदासपुर में फ्यूचर में जो भी बच्चियां डॉक्टर या इंजीनियर जो भी बनेगी उसके लिए एक उदाहरण दिया जाएगा विजेता पांडे का। बिटिया का सम्मान करने का एक दिन मैं प्रोसेस रखवा रहा हूँ, सम्मान समारोह जैसा, एक बच्ची है और एक हमारे मित्र हैं अरुण पाल, उनका बेटा है अरुण पाल लड़का, वो भी सिलेक्ट हुआ है, दो लोगों के लिए मैं सम्मान समारोह का आयोजन यहाँ करवाऊंगा जल्द से जल्द। ग्राम पंचायत प्रयागदासपुर के प्रधान मनोज पांडे जिन्होंने कहा है कि समूचा ग्राम पंचायत
बिटिया का सम्मान करने जा रहा है। कार्यक्रम अति शीघ्र आयोजित होगा, लेकिन बड़ी बात रही है कि काशी और प्रयाग के मध्य जिस तरह से इस बिटिया ने एक उदाहरण पेश किया है तमाम बालिकाओं के सामने, तमाम उन छात्राओं के सामने जो वाकई में पढ़ना तो चाहती हैं लेकिन ग्रामीण परिवेश है, संसाधनों का अभाव है और बेटियों को लेकर जो पहले नजरिया था वो अब बदल रहा है, माता पिता की धारणा बदली है, पूरे गांव और समाज की धारणा बदले है। तो निश्चित है कि जो सरकार का स्लोगन था कि पढ़े बेटियां पढ़े बेटियां, वो भदोही जिले के इस प्रयागदासपुर में चरितार्थ होता दिख रहा है।